वेलकम टू माई चैनल कुकिंग विद शीज़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आज मैं आपके साथ आलू वाली भिंडी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम ऑयल गरम करेंगे और उसमें भिंडी काट के ऐड कर देंगे। भिंडी को हमने पहले अच्छी तरह से धो के उसको सूखने के लिए रखा था, फिर हमने इसको काटा है। अब हम इसको फ्राई करेंगे थोड़ा सा। ये मैं आपको आधा किलो भिंडी की रेसिपी दे रही हूँ। भिंडी हमारी फ्राई हो चुकी है, हम इसको स्ट्रेन ऑफ कर लेंगे और इसके बाद इसी तेल में जो हमने ये डाला होगा इसी में हम प्याज फ्राई करेंगे। भिंडी जिसने फ्राई की थी उसी ऑयल में मैंने ये 3 अदर बड़े साइज के प्याज काट के रखी हुई थी, जिसको मैंने धो के इसमें डाला है। अब मैं इसको फ्राई करूंगी, उसके बाद इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। प्याज फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसमें 3 अदद बड़े साइज के काटे हुए टमाटर, 2 अदद हरी मिर्चें, अचार गोश्त मसाला 1 टीस्पून, टिक्का मसाला 1 टीस्पून, अदरक पाउडर 1 टीस्पून, लहसुन पाउडर 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून नमक, आप हसबे जायका ऐड करें, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, ये हम इसमें ऐड करेंगे। ये सारे मसाले ऐड करके हम इसको 2 मिनट तक पकाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस होगा। 2 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए, अब हम इसमें आलू ऐड करेंगे जो मैंने काट के रखे हुए हैं। ये 3 अदद आलू हैं बड़े साइज के। अब हम इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। अब हम इसको ढक्कन लगाएंगे और तकरीबन 3 मिनट तक हल्की आंच पे इसको बंद रखेंगे, उसके बाद हम इसमें भिंडी ऐड करेंगे। आलू हमारे थोड़े नरम हो गए हैं, अब हम इसमें भिंडी जो हमने फ्राई करके रखी हुई थी वो ऐड करेंगे और फिर दोबारा से इसको ढक्कन लगा के 5 मिनट के लिए रख देंगे हल्की आंच पे। ये हमारी भिंडी आलू तैयार हो गए हैं, अब हम इसको डिश आउट करेंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आलू वाली भिंडी बिल्कुल तैयार हो गई है। ये बहुत टेस्टी है, ये एक डिफरेंट सा टेस्ट आता है इसका, आप ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।